दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। बारह अगस्त को नीमच जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले वासियों से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसको लेकर जिले में विभिन्न संगठन और नगर परिषद, ग्राम पंचायत सहित अन्य लोगों से मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन, SDM शिवानी गर्ग सिंगोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए और उन्होंने सभी से रक्तदान करने का आग्रह किया और बोले कि शरीर में सभी का रक्त लाल है या महजब नहीं देखता, लेकिन किसी बीमार और एक्सीडेंटल केस में घायल व्यक्ति को जीवन देने का कार्य जरूर करता है। नीमच जिले में 5000 यूनिट रक्त का लक्ष्य है, जिसमें सिंगोली नगर को 500 यूनिट रक्तदान का सहयोग करना है। प्रदेश में नीमच जिला रक्तदान में सबसे टॉप रहे, इसके लिए हम सभी को मिलकर यह 5000 यूनिट रक्त संग्रह करना है, जिसमें सिंगोली को 500 यूनिट का लक्ष्य दिया है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर महोदय को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में रक्तदान अभियान में नीमच जिला सर्वश्रेष्ठ रहेगा और जिले में सिंगोली रहेगा। इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि वह जीवन में 36 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसके करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। साथियों, 3 दिन के अंदर यह पुनः हमारे शरीर में इसकी पूर्ति शरीर कर लेता है, इसलिए किसी प्रकार की शंका न करें और रक्तदान करें और सभी को प्रेरित करें। इस अवसर पर राजकुमार मेहता जैन, मूर्ति पूजक संघ दिगंबर जैन समाज अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया कि सभी रक्तदान में सहयोग प्रदान करने के साथ साथ सभी को उसके लिए प्रेरित करेंगे।